So, मैं एक दिन बीबीसी में एक प्रोग्राम देख रहा था, हाउ डज आवर मतलब एक टेररिस्ट कैसा बनता है, एंड आई वाज वाचिंग इट कि टेररिस्ट कैसा बनता है, तो उसमें लिखा था, उसमें बता रहे थे कि एक टेररिस्ट के टेररिस्ट को बताते हैं जो मतलब स्टार्टअप टेररिस्ट होता है, तो उसको बताते हैं कि भैया देख तू फिक्र मत कर, तेरे घर वालों का हम ध्यान रखेंगे, तेरे घर में पैसे पहुंच जाएंगे, तेरे को सिर्फ ये करना है और तू मर जाएगा तो बहुत तेरे को मिलेगा, तेरे घर वालों को मिलेगा, पैसे मिलेंगे, और वो आदमी अपनी जान तक देने को तैयार हो रहा है। लेकिन ये नेगेटिव हिसाब से हो रहा है। इसी चीज को हमने पॉजिटिव हिसाब से मैंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा कुछ बनाए, एक मंच बनाए जहाँ पे, एक वेबसाइट बनाए जहाँ पे सिविलियन पैसा जमा करते हैं और कोई भी शहीद होता है उसके घर वालों को, कभी उनकी हालत देखने लायक होती है, उनके घर वालों के साथ क्या होता है इमीडिएटली। आपको मैं गर्व से कहता हूं कि जो भारत के वीर हमारा जो ऐप है, शहीद होते उसके एक या दो दिन के अंदर उसके घर वालों को 15 लाख रुपए मिल जाते हैं, और वो 15 लाख बहुत होता है। वैसे तो सरकार भी जो करती है, सरकार भी जो देती है वो बहुत देती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त लग जाता है। लेकिन ये जो है, ये 15 लाख ये आप लोगों की तरफ से, हर सिविलियन की तरफ से उन लोगों को जाता है, तो ये तो हमारा कर्तव्य है। और उसी हिसाब से अब एक और, मैं भी एक और चीज शुरू करने वाला हूं बहुत जल्द, वो भी मुझे एक आइडिया आया, उसका नाम है पैड बैंक। इट्स अ न्यू थिंग, इट्स समथिंग न्यू, पैड बैंक मैं महाराष्ट्र में शुरू कर रहा हूं, जिसके अंदर लोग, जिसको कुछ देना होगा, जैसे पैसे देना होगा तो पैसे दे सकता है, जिसको पैड्स लाके देने होंगे वो पैड बैंक होगा। और मैं चाहता हूं कि हमारा स्टेट जो महाराष्ट्र है, जहां मैं इस वक्त रहता हूं, वो एक पहला स्टेट हो जहां पे एवरीबडी इन महाराष्ट्र, एवरी वुमन इन महाराष्ट्र हैज पैड्स, स्पेशली इन रूरल एरियाज। एंड द सीएम ऑफ महाराष्ट्र हैज बीन सो हेल्पफुल, इज we are going to do it and Maharashtra is going to be the first one to be like this, and we have called it for daughters of Maharashtra, daughters of Maharashtra pad bank. So I hope and I pray that every state in India comes out, like Delhi comes out with daughters of Delhi, and daughters of Delhi, everybody gets a pad, especially in rural areas, because main aapko batau 82% of Indian women